गए जस्ट 20 सेकंड में, और इतना अच्छा कीमा। नो कितना अच्छा और कितना कोई फाइन जॉब किया, मैं तो कहते भाई मेरे 3500 हलाल हो गए हैं, एक वर्थ बाइंग चीज मैंने। Hey, I hope you are all fine. आज मैं आपको रिव्यू दूंगी फूड मल्टी फंक्शन मल्टी ब्लेंडर का। ये मैंने लिया था अल अहद मार्ट से। प्राइस की बात करें तो ये है 3500 का, ठीक है, 3500 का मैंने लिया था। और इसको मैंने पहले बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, इसकी अनबॉक्सिंग मैं पहले कर चुकी थी, तो मैंने कहा मुकम्मल रिव्यू दूंगी आपको बाद में। चलें जी, अब हम इसको खोलते हैं और इसकी वर्किंग के बारे में करते हैं बात कि ये किस तरह से है। पैकिंग इसकी सही होके आई थी, ठीक है जी। और ये है इसका ऊपर से मोटर का पार्ट, और इसके बाद इसके अंदर है ये। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसको यूज़ करने के बारे में। अगर आप इसको देखे, उन्होंने कहा था इसमें आप अनियन भी कर सकते हैं, आप पार्सले भी कर सकते हैं, अगर मतलब कि आपने कुछ भी इस तरह से करें तो आप इसको मल्टी फंक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दावत दी हो तो काफ़ी ज़्यादा करना हो तो मैंने तो अभी स्पेशली इसको ले लिया है कीमा करने के लिए, क्योंकि कीमे की बड़ी मशीन है, उसको उठाना पड़ता है, फिर उसको वॉश करना पड़ता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, ट्रिकी होता है। तो इसको यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये वर्क अच्छा करता है या नहीं करता, ठीक है जी। ये है कुछ इस तरह से, ऊपर से इसकी है लीड है, और लीड जो है वो है ये इसकी प्लास्टिक की है, ठीक है ये। और इसके अंदर दिए जाते हैं इसके ब्लेड, और ब्लेड की प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से कवर है जो बाद में उतार लेंगे। और साथ में ये दिया गया है एक इसके नीचे जो कि एक स्टेट करने के लिए, एक जगह पे इसको फिक्स करने के लिए, जैसे अब बहुत आराम से इसको आप रखेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, इससे क्या होगा ये मूव इधर उधर नहीं करेगा। और इसको हम एक बार क्लीन कर लेते हैं, फिर हम इसमें करते हैं कीमा। कैसे करना है, जो भी आपने चीज़ फर्स्ट टाइम यूज़ हो हाइजीन का ख्याल रखा करें, एक बार वॉश लाजमी कर लिया करें। ये ब्लेड है, देखने में तो मुझे इसके जो ब्लेड हैं वो शार्प लग रहे हैं, अब इसका रिजल्ट भी हम चेक कर लेंगे कि वो कितना है, ठीक है जी। इसके ब्लेड हम उतार लेते हैं, और इसको भी मैं पहले एक बार वॉश कर लूँगी, ये बहुत ज़रूरी होता है आपकी सेहत के लिए भी, ठीक है। इसको भी मैं वॉश करके फिर आपको बताती हूँ। ओके जी, तो हो गया वॉश, इसको हमने जस्ट सेट करना है इसमें इस तरह से, और अब देंगे हम इसको टास्क। तो मैंने साथ में मीट भी ले लिया है, ठीक है जी। तो हम टेस्ट करेंगे सबसे पहले वेजी से। ये देखिए इतनी मोटी मोटी मैंने चुन चुन के गाजर रखी हैं ताकि पता चले। इसके हम पीसेस करते हैं कुछ इस तरह से, ताकि पता भी चले ना कि कितनी देर में करता है। जब वीडियोस देखा था ना, मैं बता रही थी कितनी मोटी मोटी को देखिए, मिनटों में इसने कर दिया। अब यह भी ऐसे ही डाल रही हूँ, अब देखते हैं कि इसकी मोटर की पावर क्या है, ठीक है जी। और लेट्स सी, क्योंकि हम जैसे दावत वगैरह देते हैं कि रमज़ान आ रहा है तो हमें क्विकली सब कुछ करना होता है, हमें एक ऐसी चीज़ आई होती है जो हमारा काम जो है वो फटाफट कर सके। कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, थोड़ा सा इसको दरमियाना कर लेते हैं, ठीक है। इतना हमारे पास भी टाइम नहीं होता कि इसको प्रॉपरली कट करें फिर इसको करें। अब देखते हैं कि सैलेड बनाने के लिए ये कितना कट करता है। इसने गाजर को कट कर लिया, इट्स मीन कि बाकी चीज़ें तो बहुत आराम से हो जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी सख्त होती है, ठीक है जी। इसके ऊपर अब हमने दे देनी है इसकी लेट, और इसको हमने करना है सेट इस तरह से जस्ट। तो अब हमने इसके अंदर अच्छे से फिक्स करना है, जो भी आपने अंदर डाला है ना वो अपने बैलेंस देख लेने के वो इक्वल होना चाहिए। अब ये फिक्स कैसे होगा, अब ये देखते हैं हम, मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट टाइम करी। यस, ये जब फिक्स हो जाएगा तो ये मूव बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसको हम डालते हैं, प्लग इन करते हैं, और सबसे पहले जब अच्छे से फिक्स होगा तो ये मूव होना बंद कर देगा। तो नंबर 1 पे है और नंबर 2 पे है, और ये आई थिंक जो काफ़ी दही वगैरह या चटनी वगैरह बनाने यूज़ के लिए होता है। तो हम इसको पहले 1 पे हम वो होता है सॉफ्ट के लिए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, तो मैं डायरेक्ट 2 पे थोड़ा सा चला के इसको 30 सेकेंड के लिए फिर स्टॉप कर दूंगी। Oh my God, what happening? ये तो बहुत पावरफुल है, और इसको हमने पकड़ के रखना है, जो कि मुझसे मिस्टेक हो गई है। लेट्स सी, अब इसको अब दोबारा से सेट करते हैं। पावरफुल तो है ये, तो पता चल गया, ठीक है। तो आपने ये मिस्टेक नहीं, क्योंकि मैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट कर रही हूँ, आई हैव नेवर यूज, मैं इसको पहले कभी नहीं यूज़ किया। इसको आपने फोर्स रख के फिर करना है, दोबारा से डाल लेते हैं, कोई मसला नहीं। लेकिन ब्लेड वाकई में काफ़ी शार्प है, ये कट्स चेक करें आप। ऑफ माई गॉड, मतलब कि मैं ये इतना भी, इसको दोबारा से करें सेट। और अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पकड़ना है, पहले वाली गलती नहीं करनी, ठीक है। ये यहाँ से पकड़ना है ऐसे, और ऐसे, यस ये चीज़, ठीक है, ऐसे पकड़ के ऐसे। ओह माय गॉड,
मैं इसकी वर्किंग एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतनी अच्छी भी हो सकती है। मैं आपको अभी दिखाती हूँ, एक मिनट। ऑफ माय गॉड, रियली वर्क, मतलब कि वाकई में। और मेरे ख्याल में एक मिनट भी नहीं हुआ। ऑफ माय गॉड, इतनी अच्छी चीज भी है, आई कॉन्ट बिलीव दिस, यू कैन चेक दिस। मेरे ख्याल में एक मिनट भी नहीं हुआ, विद इन अ जस्ट फ्यू सेकेंड्स इतना अच्छा, इतना कोई जबरदस्त। ऑफ माय गॉड, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, ये इतना बारीक इसने कोई चॉप किया ना, नाइफ से कर करके हम मर जाएं, और जस्ट एक मिनट भी नहीं लगा। मैं वाकई में एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये इतना अच्छा भी कर सकता है, इतनी हार्ड होती है। अच्छा, एक टेस्ट में तो जबरदस्त भाई 100/100 इसके, बल्कि 10/10 हो गए। अब इसको मैं साफ करती हूँ, क्लीन करती हूँ, अब हम करते हैं मीट को, ठीक है जी, तो पता चलेगा ना फिर कितना अच्छा है। आई शेफ्ट इट, ये देखें सारे का सारा इतना अच्छे से हो गया, ये आप देखें। इसको अब मैं वॉश करती हूँ, फिर हम करते हैं मीट। तो अब हम इसमें करेंगे अपना मीट, यानी कि ये बीफ का है, और ये अच्छी खासी बड़ी है, इतनी कोई छोटी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने वॉश किया हुआ है, अब इसके पीसेस चेक कर लें, और ये फ्रीज हुआ हुआ था, और नॉर्मल करके फिर मैं इसमें डाल रही हूँ, तो ये भी पता चल जाएगा कि फ्रीज किया हुआ हम कर सकते हैं या नहीं। और चर्बी भी साथ है, क्योंकि जब आपने शामी वगैरह बनाने हो ना, थोड़ी सी चर्बी चलती है साथ। ये देखें, ये इसका पीस चेक करें, बहुत बड़ा है ये। मैंने कहा ज़रा रिव्यू लें तो पूरा तो लें, कौन साफ करता रहे एक पकड़ के बोटी को, है ना। चलें जी, ये देखें ये हो गया। इसके बाद हमने देनी है इसकी लिड, सेंटर में होना ज़रूरी है ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए, ठीक है जी। ये हो गया फिक्स। अच्छा, वो ये गलती नहीं करनी, मुझे भी नहीं, क्योंकि चॉपर वगैरह यूज़ करते थे, इतना फोर्स नहीं होता वो आराम से, तो आपने इसको अच्छे से पकड़ना ज़रूरी है, वरना जैसे गाजर के साथ हुआ था ऐसे ही होगा। क्योंकि ये हैवी है, तो हमने इसको डायरेक्ट मैं दो पे थोड़ा सा चलाऊंगी, जस्ट 4 से 5 सेकेंड के लिए, फिर स्टॉप कर दूंगी। ओह माय गॉड, देखते हैं कि क्या करता है ये, ठीक है जी। ये देखिए जी, 5 सेकेंड चाहिए, और हम बहुत हैवी काम ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रुक रुक। और मुझे अभी जस्ट 15 सेकेंड हुए हैं, आवाज़ चेंज हो गई है, तो देखते हैं कि क्या हुआ है। ऑफ माय गॉड, कैन यू बिलीव, नो नहीं हो सकता ऐसे, मतलब कि जस्ट 20 सेकेंड में, और इतना अच्छा कीमा, नो वे, कोई ना कोई रह गया होगा, चेक करते ज़रा। मैं चम्मच ले आऊँ, फिर इसको ज़रा चेक करते हैं। देखिए मैंने जी, मैंने कुछ स्किप नहीं किया, जस्ट इना 20 सेकेंड, वाकई में मैं निकाल के देखूँ, नो वे, इतना कोई अच्छा कीमा किए, मैं तो यकीन नहीं कर पा रही। दैट इज़ वर्थ बाइंग, मतलब कि जो पैसे लगाए हैं वो वसूल हो गए हैं, ठीक है। इसको निकालते हैं ज़रा, देखते हैं तसल्ली के साथ, कुछ तो होगा, बस एक पीस तो बाहर रह गया था, थोड़ा सा ऊपर वही है, बाकी ज़रा तसल्ली हम पूरी करते हैं अपनी। मुझे यकीन नहीं हो रहा, फ्यू सेकंड में कोई चीज़ इतना अच्छा भी कीमा कर सकती है। मतलब कि आपने मेरी पहली वीडियोस देखी होंगी, वो बड़ी सी है, एनएक्स की मशीन है कीमा वाली, और इसमें वाकई में चर्बी समेत वो जो ख़राब सा होता है ना, उसमें भी फंस जाता है, और इसने उसको वाकई में बहुत अच्छा फिनिशिंग के साथ डन किया है, और मेरे ख्याल में ये वर्थ बाइंग है। आगे ईद आ रही है, अभी बकर ईद आ रही है, तो ये तो मैं कहती हूँ मस्ट मस्ट होना चाहिए। आपके सामने इसको मैं निकाल रही हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। मेरे ख्याल में कुछ और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमने ये कीमा चेक कर लिया है कि ये इतना अच्छा हो गया है। ये देखें आप, एक एक चीज़ आपको मैं हाथ से करके देखूँ, या ना कि एक हाथ मेरे साफ धुले हूँ मैं, मतलब कि कोई बोटी का पीस कुछ भी नहीं है, मतलब कि इट्स अ वर्थ बाइंग, जो लेना चाह रहे हैं और जो कन्फ्यूज़ है हम लें या ना लें, इट्स रियली गुड। ये देखिए इतना ठंडा मीट था, इससे आप चेक कर लें आप, ये देखें यहाँ से आप, ज़बरदस्त, ऑसम, मैं इसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई हूँ।
जनाब, तो ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे किसी और चीज़ को चेक करने की ज़रूरत है। अब आपके सामने इतनी मोटी और इतनी बड़ी गाजर मैंने रखी थी, उसने इसका क्या हाल कर दिया। उसको छोड़ें, बीफ ऐसी चीज़ है, अगर आप कीमे की मशीन भी यूज़ करें उसमें चर्बी या कुछ इस तरह की जो एक चीज़ आ जाए ना, उसको भी सही से नहीं कहा। तो उसने इतनी कोई अच्छी फिनिशिंग के साथ किया ना, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ कितना अच्छा और कितना कोई फाइन जॉब किया। मैं तो कहते भाई मेरे 3500 हलाल हो गए हैं। एक वर्थ बाइंग चीज़ मैंने ले ली और ये लॉन्ग लास्टिंग चलने वाली है। डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं, मेरा एक्सपीरियंस भाई बहुत बहुत अच्छा रहा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट किस चीज़ के बारे में आप रिव्यू जानना चाहते हैं कमेंट्स करके बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।